नोएडा के थाना फेस टू इलाके में फोटो फ्रेम के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगते ही गोदाम में भगदड़ मच गई। तुरंत ही फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। मौके पर 6 से ज्यादा दमकल की गाड़ियों ने आग बुझानी शुरू की, मगर जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक पूरा गोदाम जलकर खाक हो गया। राजस्थान के धौलपुर में एक शादी समारोह में हथियार लहराने की तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए, मंच पर बारबाला नाच रही हैं और आधा दर्जन लोग हथियार लहरा रहे हैं। इनमें से एक शख्स बार बार तमंचे से गोली भी चला रहा है। बताया जा रहा है कि ये तस्वीरें सदर थाना क्षेत्र के गांव धीमरी में शादी समारोह की हैं, जहां ये हथियार लहराए गए। हालांकि हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं करते, मगर तस्वीरें सामने आई तो पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार कर लिया है। मधुबनी में भयानक दोहरा हत्याकांड हुआ है। यहां मधेपुर थाना क्षेत्र के पीठ भगवानपुर गांव में एक प्रेमी ने प्रेमिका को चाकू से गोद कर मार डाला। हत्या के बाद प्रेमी चाकू लहराते हुए भागा, लेकिन लड़की के परिजनों ने प्रेमी को पकड़ लिया और लाठी डंडों से पीट पीट कर मार डाला। हत्या के बाद परिजनों ने शव को नदी में फेंक दिया। हत्याकांड की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अब पुलिस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एक लड़की का शव बोरे में मिलने से हड़कंप मच गया। लड़की के शरीर पर चोट के कई निशान मिले हैं। आशंका है कि लड़की के साथ रेप किया गया और रेप के बाद लड़की की हत्या कर दी गई। सूचना मिलते ही एसपी मौके पर पहुंचे। परिवार वालों ने भी लड़की की शिनाख्त की। अब पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। यूपी के कन्नौज में अपने ही पति के कत्ल के आरोप में पत्नी गिरफ्तार हुई है। मामला कन्नौज के सौरिक थाना क्षेत्र का है। यहां 27 नवंबर को एक शख्स का शव कमरे में लटकता हुआ मिला था। पुलिस ने गहराई से छानबीन की तो मालूम चला कि मृतक की पत्नी ने अपने एक रिश्तेदार के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतारा। पुलिस के माने तो पति पत्नी दोनों एक दूसरे पर शक करते थे, जिससे आए दिन दोनों में झगड़ा होता था। पुलिस ने आरोपी पत्नी और उसके रिश्तेदार को गिरफ्तार कर लिया है। राजस्थान के धौलपुर में हेड कांस्टेबल पर जानलेवा हमला हुआ है। खबरों के मुताबिक 18 अक्टूबर को अस्पताल के बंदी वार्ड से भागे दो बदमाशों की तलाश में हेड कांस्टेबल रेकी कर रहा था, जहां पेरोल पर चल रहे डकैत मुकेश गैंग के आधा दर्जन बदमाशों ने हेड कांस्टेबल को पकड़ लिया और लाठी डंडों से जमकर पीटा। बदमाशों ने पुलिसकर्मी की जांघ में गोली भी मार दी। गंभीर हालत में पुलिसकर्मी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मध्य प्रदेश के विदिशा में भयानक सड़क हादसा हुआ है। यहां रविवार की छुट्टी पर पिकनिक मनाने नगर परिषद के 6 कर्मचारी ओरछा जा रहे थे। अचानक चंदेरी की तरफ से आ रहे बुलेरो से कार की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि इसमें 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। 3 लोगों की स्थिति नाजुक बनी हुई है। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। यूपी के सिद्धार्थनगर में लापरवाही का वीडियो वायरल हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक अस्पताल में अल्ट्रासाउंड हो रहा है, मगर खबर यह है कि इस अस्पताल को प्रशासन द्वारा सील किया जा चुका था, बावजूद इसके यहां इलाज किया जा रहा है। वीडियो वायरल हुआ तो हड़कंप मच गया। अब चिकित्सा अधीक्षक ने पूरे मामले में कार्रवाई के आदेश दिए हैं। हालांकि हम इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करते। महाराष्ट्र के अमरावती में एक डॉक्टर पर जानलेवा हमला हुआ है। हमलावर ने डॉक्टर पर चाकू से जानलेवा हमला किया। खून से लथपथ डॉक्टर को जमीन पर फेंक कर हमलावर फरार हो गया। तुरंत ही डॉक्टर को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। अब पुलिस की माने तो हमलावर की तस्वीर सीसीटीवी में दर्ज है। जल्द ही पुलिस हमलावर को गिरफ्तार कर लेगी। यूपी के देवरिया में ठगों ने 50 से अधिक नौजवानों को लाखों का चूना लगाया। दरअसल यहां बेरोजगार युवकों को विदेश भेजने के नाम पर वीजा और अन्य कागजात बनवाने के लिए ठगों ने युवकों से रुपए लिए और फरार हो गए।
जब युवकों को मालूम चला कि उनके साथ ठगी हो गई, तो उन्होंने पुलिस का दरवाजा खटखटाया। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है।